हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी टिप्स एंड होम। फ्रेंड्स, आज मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करा है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है तो वीडियो को पूरा देखना, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज़ टोनर अपने फेस पे स्प्रे किया है और अच्छे से इसको डैब डैब कर लूँगी मैं अपने फिंगर से, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए मेरे फेस पे, और फिर इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे सोक कर लूँगी ताकि अंदर तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं ले रही हूँ पतंजलि का ये एलोवेरा जेल और इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी। थोड़ा सा लेना है बिल्कुल, इससे क्या होगा आपके जो ओपन पोर्स है वो अच्छे से मिनिमाइज हो जाएगा। और आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है वो आप ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ वही आप लें। उसके बाद मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप ग्लो सीरम और इसके भी दो तीन ड्रॉप अपने फेस पर लगा लूँगी। और अच्छे से ऐसे मसाज कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा ग्लो आ जाए। उसके बाद मैं ले रही हिलेरी हुड्डा का ये प्राइमर और अपने फेस पे लगा लूँगी ताकि जो भी हम फाउंडेशन लगाएं वो लॉन्ग लास्टिंग हो और हमारे फेस पे हार्म भी ना करे। इससे क्या होगा, हमारा जो ओपन पोर्सेस है वो अच्छे से मिनिमाइज हो जाएगा। वैसे हमने एलोवेरा जेल लगाया है और रोज़ हिप का जो सीरम है वो भी लगाया है, लेकिन हमें प्राइमर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पर सनस्क्रीन स्किप कर दिया है, जो फाउंडेशन लगाऊंगी उसमें 50 SPF होगा, लेकिन अगर आप धूप में जा रहे हो मेकअप को इस मेकअप लुक को क्रिएट करके, तो आपको 50 SPF का सनस्क्रीन लगाना है। तो मैं ADS का ये आईब्रो पेंसिल है, इससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैबलिन का ये जेल मस्कारा है, इससे मैं इसके पुल्ली से अच्छे से अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी। और एक पुल्ली की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और मेरा जो आईब्रो है वो फिनिश में आ जाएगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ NYW का ये कंसीलर और अपने आईब्रो की इधर हाईलाइट कर लूँगी ताकि जो मेरा आईब्रो है वो अच्छे से उभर कर दिखे। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस, जो भी मैं मेकअप करती हूँ या फिर मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने मेकअप में, तो वो बहुत ही अफोर्डेबल ही होता है, क्योंकि हर कोई महंगा नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं अफोर्डेबल मेकअप ही आपके साथ मेकअप से ही अपना मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ। उसके बाद मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ ADS का ये एलोवेरा कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि जब हम आईशैडो लगाएं तो वो क्रीज ना हो जाए, तो अच्छे से सेट कर लेंगे हम, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में मेल्ट आउट होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए मैंने इसे सबसे पहले सेट कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये डस्ट पैलेट, इसमें से मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। सॉरी, ब्राउन नहीं है, ये ऑरेंज है,
डार्क ऑरेंज कलर। ये मैंने अपने आउटफिट के जैसा मेरा आउटफिट में कलर है उसी तरीके का मैंने आई शेडो का कलर चूज़ किया है। अगर आपके पास जो भी आपके पास आउटफिट हो उस तरीके का आप आई शेडो कलर चूज़ कर सकती हैं, और बस आपको करना मेकअप करने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया, उसके बाद मैं ले रही हूँ ये लिप लाइनर है, और ऐसा आप इसको आई शेडो भी लगा सकते हैं, लाइनर भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल भी मेल्ट आउट नहीं होता, जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी पिगमेंटेड है। तो अच्छे से मैं लगा लूँगी आउट ऑफ कॉर्नर में, और अच्छे से मैं इसको एक ब्रश से सेट कर लूँगी। तो सेट कर लिया है, उसके बाद मैं ले रही हूँ सेम इसी पैलेट से ग्लिटरी आई शेडो, और इसे मैं लगा लूँगी अच्छे से। तो दूसरी आँख में भी मैंने कर लिया है, देख सकते हैं आप, दोनों आई मेकअप कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ लोअर लैशेस पे सेम ये डार्क ऑरेंज शेड, और इस तरीके से लगा लूँगी मैं। तो सेकंड आँख में भी मैं लगा लूँगी, और सेम मैंने ये जो कॉर्नर में लगाया मैंने आउट ऑफ कॉर्नर में आई शेडो, ये इसका कलर है पिकॉक ग्रीन, तो इसे मैं इनर कॉर्नर से थोड़ा सा आगे लगाऊंगी ताकि एक अच्छा सा लुक मिल जाए। लगा लिया मैंने, उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये जेल लाइनर, और इसे मैं लगा लूँगी। तो लगा लिया मैंने आईलैशेस लगाऊंगी, आईलैशेस लगा लिया गाइस, और आईलैशेस लगाने के बाद भी आपको लाइनर लगाना है ताकि जो आपका फेक लैशेस है वो रियल लैशेस की तरह दिखे, फेक लैशेस ना दिखे। तो फेक लैशेस देख सकते हैं आप, मेरा बिल्कुल रियल लैशेस लग रहा है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर मेबलिन का जेल लाइनर, और अपने अंडर आइज में लगा लूँगी अच्छे से। तो सेकंड आँख में भी मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेबलिन का जेल मस्कारा, ये फुल वॉल्यूम में है, और ये कर्ल्स भी कर देता है आपके लैशेस को, तो काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद मैं ले रही हूँ लंदन प्राइड का ये फाउंडेशन, इसमें 15 SPF है और ऑयल फ्री भी है, तो काफ़ी अच्छा है समर के लिए। तो ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से मैं लगा लूँगी,
कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम सीसी क्रीम अगर आप ब्लेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में भिगो दें। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप भिगो दें तो क्या होगा, जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ज़्यादा मेकअप किया, बिल्कुल नेचुरल आपको कलर देगा, तो काफ़ी अच्छा रहता है इस तरीके से। और ये छोटी छोटी बातें आपको काफ़ी मदद करती हैं कभी कभी। उसके बाद मैंने लगाया अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए हिमालय का लिप बाम, और उसके बाद मैंने लगाया है ADS का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, एलोवेरा कॉम्पैक्ट पाउडर, अपने मेकअप को सेट कर लिया है। फिर मैंने लिया है सेम हुडा ब्यूटी का पैलेट से ये ब्राउन कलर कंटूर के लिए, और अपने नोज़ को चिक को कंटूर कर लिया है मैंने, फोरहेड को करूँगी। और कंटूर को थोड़ा सा मैं लाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं सेम इसी पैलेट से हुडा ब्यूटी के पैलेट से ब्लशर के लिए ले रही हूँ मैं डार्क पीच कलर, और ये काफ़ी पिगमेंटेड है तो इसको बस हल्का हल्का से डैप करके ब्रश को उसके बाद मैं लगा रही हूँ ताकि एक नेचुरल सा कलर मेरे चिक को मिल जाए। अब मैं अपने फेस को पूरा मेकअप को सेट करूँगी इस मेकअप सेटिंग स्प्रे से, और ये मेकअप सेटिंग स्प्रे एल्विन का, ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपके फेस को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट थे वो मैंने अच्छे से सोक कर लिया था, निकाल दिया था। उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने ये पैलेट लिया है हाइलाइटर पैलेट, उसमें से मैंने 2 शेड लिए हैं डार्क ब्राउन और वाइट कलर, और अपने चिक को फोरहेड को नोज़ को चिक बोन को क्यूपिड बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ वाइट आई शेडो हाइलाइटर, और उसके बाद मैं इनर कॉर्नर में थोड़ा सा इस तरीके से लगाऊंगी ताकि जो हमारा आई मेकअप है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और काफ़ी सुंदर लगे, क्योंकि आई मेकअप जो है वो हाई है, मतलब हैवी है, तो अगर आप इस तरीके से लगाते हैं इनर कॉर्नर में हाईलाइटर तो काफ़ी अट्रैक्टिव आपके आगे लगती है, बहुत ही सुंदर लुक मिल जाता है आपको इस तरीके से। उसके बाद मैं ले रही हूँ डार्क पिंक कलर लिपस्टिक का, और इसे मैं और भी डार्क करूँगी, वो मैं वीडियो में बता दूँगी किस तरीके से मैंने डार्क किया इसको। तो ये है मेरे पास जिससे मैंने जेल लाइनर लगाया था, उसी ब्रश को अपने लिप्स पे एक बार इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, और फिर से एक बार लिपस्टिक को इस तरीके से लगा लूँगी, काफ़ी अच्छा कलर आपको मिल जाता है। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी कर देना ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।